तो मैं तो लोगों का कॉल होगा उसको मानूंगा। 4 तारीख को पता लग जाएगा। जो प्रजातंत्र है, जो भी लोग फैसला डालेंगे उनका स्वागत करेंगे। हरियाणा में कितना कुछ देख रहे हैं, एग्जिट पोल तो बता रहे हैं 2-3-4। एग्जिट पोल की मैंने बताया 4 तारीख को पता लग जाएगा। और हरियाणा में जो है कांग्रेस के पक्ष में लहर चली हुई थी। कितनी सीटें मान रहे हो 10 में से आप? अब जब पक्ष में लहर चलती है तो क्लीन स्वीप भी होता है, वो आ जाएगा 4 तारीख को। बड़ा प्रदेश था 2014 में, अब 10 साल के बाद बेरोजगारी में नंबर एक हो गया, महंगाई में हो गया, कानून व्यवस्था तो ऐसा लगता है सरकार है ही नहीं जैसे। और खेल खिलाड़ियों को आप स्वयं देखिए, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, किस तरह जंतर मंतर में उनको तो अब तक न्याय नहीं मिला। उनको उससे पूछो, मेरी तो किसी बात में मैं तेरा नाम ले लूंगा तो मान जाएगा। हुड्डा साहब, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है, बीजेपी ने चुनाव लड़ा, मुख्य दोनों पार्टियां थी हिसार और पानीपत में, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने भितरीघाट का सिर्फ शिकायत अपनी पार्टी मान्य किया है, क्या कांग्रेस में भी इस तरह का भितरीघाट की शिकायत आई? नहीं, कांग्रेस में कोई ऐसी कोई वो नहीं है। कांग्रेस तो हम संगठन में ही है, लेकिन हमारा तो संगठन लोग ही बने हुए थे, घर घर तक कांग्रेस के ही। जेपी का भी एक बयान आया है, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कहना कि प्रेशर डालने की कोशिश की है, अभी इन्होंने काम सही नहीं किया, क्या माने प्रेशर है या कुछ और है? देखिए, इलेक्शन की प्रक्रिया होती है, उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल होता है, हर बूथ पे सबके एजेंट होते हैं, उसी टाइम अपराध करना चाहिए था। ये तो बकरार की भाषा है, तो मीन्स वो आ रहे हैं कहीं ना, बीजेपी आ रही है, हार स्वीकार की है। विधानसभा में लोगों ने 36 बिरादरी में मन बना रखा है, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। एक जेपी का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि उछाणा में कुछ लोगों ने दगा किया, पार्टी के लोग थे उनके पल्ले कुछ नहीं, जनता ने सीधा वोट दिया है। जब पूछो मेरे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं। अच्छा, इस चुनाव में कोई राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं रहे हरियाणा में, लोकल मुद्दे हावी रहे, क्या कारण है? राष्ट्रीय मुद्दे क्यों नहीं हावी रहे? राष्ट्रीय मुद्दे 2022 तक उन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे हम, किसान की आमदनी दुगनी कहाँ हुई, लागत दुगनी से ज्यादा होगी। ये सब मुद्दे सब इकट्ठे होकर होता है, राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, और ये हमारा जो मामला लटका हुआ है SYL का, उसके लिए भी पूर्ण रूप से यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला करे, कितने साल हो गए नहर नहीं बनवास के, ये पहली सरकार है हरियाणा की सरकार पूरे देश में जिसने खुद ही नहर हटवाई हो, जो दादू पुनगलवी हमने बनाया है, ये पहली सरकार है पूरे देश में जिसने नेशनल हाईवे मंजूर हुआ हो, और ये नहीं लिखा होगा हमारे को जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के ध्यानाकर्षण पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ध्यान पर बैठे, इसमें क्या है, अपनी व्यक्तिगत बात है, आप भी ध्यान पर चले जाओ। कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया है कि अर्जुन मुंडा महिला के खाते में, आठ जरूरतमंद महिला के खाते में 85,000 रुपए आएंगे, कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया है। तो किसानों का हम तो कह रखा है MSP कृषि कानून होगा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमने तो MSP की गारंटी, लीगल गारंटी दे रखी है, और किसान का कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त कराने की बात कह रखी है, और जो इंश्योरेंस जो है वो जो मतलब प्राइवेट कंपनी को इंश्योरेंस नहीं दी जाएगी, जैसे LIC है वैसे दी जाएगी, रोटेशन फंड है, वो सारे प्रिकॉशन हमारे घोषणा पत्र में। 2019 के बाद एक कमी महसूस की गई थी, कांग्रेस ने भी संगठन का गठन नहीं हो पाया, उसकी वजह से नुकसान हुआ, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसी कमी सामने आ रही है, अभी संगठन का गठन होना चाहिए था? देखिए, ये चुनाव तो लोगों ने लड़ा है, लोग सारे लोग ही हमारे संगठन के हैं, लेकिन कार्यक्रम चले हमारे कांग्रेस पार्टी के, घर घर कांग्रेस चले, विधानसभा जब तक लड़ेगी तब तक संगठन का गठन हो जाएगा जी, हो जाएगा। जो आपको फीडबैक मिला है कार्यकर्ताओं से या संगठन के पार्टी नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें कितनी सीटों पर आप आसपास थे? 7 में मैं बता चुका एक बार, कांग्रेस के पक्ष में लहर चलती है, लहर चल रही है, और जब किसी के पक्ष में लहर चलती है तो क्लीन स्वीप हो जाएगी। अब कितनी का क्या मतलब, जो लोग फैसला करेंगे उनका स्वागत करेंगे। हुड्डा साहब, अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो घोषणा हुई थी, पूरे हरियाणा लोगों के बीच में एक ये आवाज